जो आपको आइटम दिखा रहे हैं कि आपको स्टार्टिंग में आपको ये पीस दिखाया था, अभी आपको इसे कलर कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, जो एक एक हमारे पास सिंगल सिंगल पीसेज जो हैं वो लेफ्ट हैं, आप ले सकते हैं। ये देखिए सारे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग है। ऑलरेडी आप जो है देख चुके हैं, इसका सैम्पल वीडियो देख चुके हैं, फिलहाल फिर भी आपको कोई भी कलर कॉम्बिनेशन जो है वो सारे के सारे एक से एक रहने वाले हैं। ये देखिए आपको कोई भी एक कलर कॉम्बिनेशन जो है वो एक बारी ओपन करके जो है दिखा देते हैं। ऐसे ये देखिए विद चेन रहने वाला है, और कलर सारे के सारे बहुत अच्छे रहने वाले हैं, चाहे कोई भी कलर कॉम्बिनेशन हो, चाहे ये हो या ये हो या ये हो या ये। आपका बॉटल ग्रीन कलर भी काफ़ी आजकल इन है। चेन काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्वालिटी बहुत अच्छी रहने वाली है, और ओपनिंग जो है वो पैटर्न बहुत अच्छा है, और स्पेसिंग भी काफ़ी अच्छा है, और सारे कलर्स काफ़ी अच्छे हैं। जो भी कलर आपको लेना हो आप बुक करा सकते हैं, सिंगल सिंगल पीस ही बचे हैं। रिक्वेस्ट रहेगा आपका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और बुक करा दीजिएगा। ये देखिए ये क्वालिटी है गुची के अंदर। नेक्स्ट पैक जो हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये भी अपना चेन के अंदर रहता है और रवि चेन रहता है। इसमें आप देखिए इसकी बीडिंग जो है कितनी खूबसूरत है, और बिल्कुल क्लासिक विंटेज रेंज कह लीजिए, सारा पूरा मोती के साथ रहेगा सारे एकदम। और जो बेस है इसका वो कॉटराइज में, आप देखिए बेस इसका कोई नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल फाइन कॉटराइज में, और ये लेदर में, ये देखिए कितना अमेजिंग लगता है। और इवन इसके जो मेन जो है इसके एंड्स हैं कितने खूबसूरती से जो है स्टिच्ड है, और ये ओपनिंग स्टाइल इसका फ्रंट से ओपन रहता है, ये आपको बता रहे हैं। बाकी जो इसके अंदर स्पेस वगैरह रहता है वो आपको एक बारी हल्की से नज़र पाते हैं किस तरह से रहता है। ये देखिए ये इसमें चेन रहेगा, यहाँ पे बीच में चेन रहता है जिसको ओपन किया हुआ है हालांकि, और अंदर में स्पेस रहता है पूरा। और ये जो आप बैग देख रहे हैं, ये इसके आप देखिए कि इसका जो फ्रंट हुआ और ये इसका बैक हुआ, दोनों पूरी एम्ब्रॉयडरी में, यानी पूरा एकदम फिनिशिंग में है, कहीं भी कोई प्लेन नहीं है, और विद चेन ही रहेगा बैक, ये इसका बेस रहेगा, और बहुत अमेजिंग लगता है। इवन ये इस तरह से देखिए आप लुक इसकी, इसकी हर एक चीज़ की लुक क्लोजअप से आपको दिखा रहा था कि आपको एक पता चलेगा इसकी लाइकनेस। और ये हमारे पास जो बैग जो बचे हैं सिंगल सिंगल ही क्वान्टिटीज़ में बचे हैं, तो इसीलिए आप जल्दी जल्दी जो है आपको जो जो लेना है आप बुक करा लीजिए, लिमिटेड क्वान्टिटीज़ ही हैं। ये जो आप बैग देख रहे हैं काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी में रहता है, ये इसका चेन क्वालिटी आप देख रहे होंगे गुची के अंदर रहेगा। और ये मतलब आप इसको देखिए, इसकी सॉफ्टनेस, इसकी जो कटवर्क है बहुत ही प्यारा है। ओपनिंग स्टाइल इसका फ्रंट से यहाँ से रहेगा, ये ओपनिंग, ये क्लोज रहता है, ये ओपनिंग हो जाता है यहाँ से, और जो इसका सेपरेशन भी है इस बैग के अंदर अगर आप देखते हैं, और उसके बाद जो इसकी क्वालिटी आप देख रहे हैं या इसका बैक देखते हैं, यूनिट देखते हैं, हर एक चीज़ बहुत सॉफ्ट है। इसके कॉर्नर एंड्स हर एक चीज़ में बहुत सफाई है, इवन आप जब इसको पास से देखते हैं तो आप महसूस करेंगे कि ये सॉफ्ट बहुत है, बहुत अमेजिंग है। यंगस्टर्स और बड़ों में दोनों में बहुत अमेजिंगली रहता है ये क्वालिटी ऑफ जो है इसकी चेन की, वो हर एक चीज़ बहुत अमेजिंग है। ये एक बैग है गुची के अंदर जो आपने देखा अभी, और इसकी मतलब आप देखिए कि जो हर एक चीज़ कलर कॉम्बिनेशन हर एक चीज़ बहुत प्यारी है ये गुची बैग के अंदर। नेक्स्ट जो आपको आइटम दिखाने जा रहे हैं ये क्लच रेंज है, और दोनों के दोनों कलर कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग है। इवन ब्लैक, ये देखिए आप जो में जो फ्रिंजेस जो लुक आ रही है, जो थ्रेडिंग वर्क जो है बहुत अमेजिंग रहता है। ये देखिए कितना फाइन है। ये देखिए ये आपका दो कलर कॉम्बिनेशन में, एक ब्राउन में, आप देखिए इसकी क्लच कॉम्बिनेशंस जो है वो बहुत अमेजिंग है। ये देखिए, और ये इसका लुक चारों तरफ से, ये पार्टी वेयर क्लच है, बहुत डिफरेंट रहता है, कॉमन नहीं रहता। ओपनिंग जो इसका आपको पता ही होगा इस तरह से ओपन हो जाता है बहुत ईजिली, और अच्छा लॉकिंग स्टाइल भी बहुत सही है। ये देखिए ये ओपनिंग हो गया आपका, और ये लॉकिंग स्टाइल, ये जैसे ओपन करते हैं आप तो इसमें आप देखते हैं अंदर में कि आपके पास चेन रहती है, जो आप चेन जो ये चेन जो अवेलेबल है ये आप इधर में लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, यू कैन ईजली पुट योर चेन ओवर हेयर, यहाँ पे तो ये आपका चेन इधर में लग सकती है, यहाँ से यहाँ पे आपकी चेन लग जाएगी, और ये स्पेस इसका जो है बहुत अमेजिंग है, और अगेन बहुत ही फैंटेस्टिक जो है वो बैग, बहुत ही अमेजिंग बैग रहता है। सेकेंड जो इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है वो ब्लैक है, और सिंगल सिंगल पीसेज ही बचे हैं जैसे बताया आपको, तभी इसका वीडियो जो है सोचा कि एक अलग अलग आपको लॉन्च कर दें। और ये देखिए कुछ ही सेट बचे हैं, ये देखिए, ये नेक्स्ट देखिए, वे भी वैसे ही ओपन, और ये आपका चेन अवेलेबल रहेगा, और इसको आप जैसे बताया आपको आप उसमें साथ में आपका आप इसको प्लेस कर सकते हैं, अपना यहाँ पे नीचे में जगह रहती है, इधर में आप लगा सकते हैं। और ये देखिए दोनों के दोनों बैग्स जो हैं बहुत ही अमेजिंग रहते हैं, चाहे वो ब्लैक कलर हो चाहे वो ब्राउन कलर हो,
और जो इसकी जो मेन लुक है, एक जो फिनिशिंग है, क्वालिटी है, वो आपको पास से भी एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको एक लुक आ जाएगा कि किस तरह से इसकी क्वालिटी रहती है, रहने वाली है। बहुत अमेजिंग रहती है, देखिए हर एक चीज़ में क्वालिटी वाइज हर एक चीज़ बहुत अच्छी इसकी रहती है। नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं वो भी स्लिंग बैग में दिखा रहे हैं, जो आपको आप देख सकते हैं, पहले सबसे पहले आपको जो छोटा बैग दिखाया था पहले, ये उससे बड़ा साइज़ में है, आपको साफ पता चल रहा होगा। और क्वालिटी जो है वो देख सकते हैं आप बिल्कुल क्लोजअप, बहुत अमेजिंग रहती है। चैनल के अंदर, शनैल के अंदर रहता है ये ब्रांड। और इस तरह से जो इसकी जो फ्रंट है, ये इस तरह से ओवल शेप में इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से, तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है बैग का। और सॉफ्टनेस काफ़ी सॉफ्ट है, इसको आप जैसे ओपन करते हैं, इसका ओपनिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है, इसका आप सीधा करते हैं इसको इस तरह से, ये ओपन हो जाता है आपका। तो जितना डिफरेंट ओपनिंग स्टाइल है इसका, उतना ही खूबसूरत ये बैग है। और अगर आप इसकी स्पेसिंग की बात करते हैं तो स्पेसिंग भी काफ़ी अच्छी अवेलेबल है इसके अंदर। और जो इसका फ्रंट हो गया और इसका आपका जो बैक है वो भी पूरा फुली जो है कटवर्क के साथ है, इसकी क्वालिटी बहुत सॉफ्ट है। और जो आपको बताया था ओपनिंग स्टाइल, वैसे ही इसका क्लोजिंग स्टाइल भी है, क्लोजिंग स्टाइल के लिए आपको लॉक यूँ कर देते हैं आप तो ये ओपन नहीं होगा। और जो इसके चेन है, क्वालिटी है, हर एक चीज़ बहुत अमेजिंग है, सिंगल पीस लेफ्ट है और ये इसकी क्वालिटी आपके सामने। ये जो आपको सेकंड दिखा रहे हैं ऑप्शन, उसी के अंदर एक कलर है, आप देखिए उसी का कलर है ये, और सिंगल सिंगल पीसेज ही लेफ्ट हैं, इसीलिए जो है अलग अलग हर एक की वीडियो आपको दिखा पा रहे हैं, ये देखिए। और अगेन कलर कॉम्बिनेशन, और जो आपको जैसे दिखा चुके थे अंदर से भी सारा जो है, ये इसका विद चेन रहता है, हालांकि चेन जो है वो ओपन की हुई है ताकि आपको ईजी रहे बताने में, ये देखिए। और उसके बाद फिर जो इसका ये आ गया, टॉप आ गया, ये इसका कॉर्नर्स एंड आ गए, ये इसका बैक आ गया जैसे आपको दिखाया था, बहुत अमेजिंग जो है ऑप्शंस रहते हैं। ये क्लोजअप जो बंद होता है वो इस तरह से आपका ये बंद हो जाता है, ये देखिए ये इस तरह से ये बंद हो जाता है, बहुत फाइन क्वालिटी जो है ये अवेलेबल है। और फ्यू पीसेस, एक एक पीस ही बचे हैं इसीलिए, बाकी आप जो आपको समझ में आ रहे हैं, आप सिंगल सिंगल जो आपको लेने हैं आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अप्रूव कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट बैग आप देख रहे हैं ये भी एक बहुत ही फाइन रेंज में है, इसका जो क्वालिटी वैसे ही ओवल शेप में आ गया, उसके बाद जो इसकी लॉकिंग स्टाइल है वो डिफरेंट है, ये देखिए ये लॉकिंग स्टाइल है, लॉक्ड है बैग अभी, ये अनलॉक इस तरह से अनलॉक हो जाता है। चेन क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी हैवी क्वालिटी है, फाइन क्वालिटी है। और उसके बाद आप ये जब बैग देखते हैं, आप ओपन करते हैं तो ये इस तरह से ओपन हो जाता है, और स्पेसिंग पूरा रहेगा, अंदर में बता रखा है कि सामान डाल के कि इस तरह से कितना सामान जो है आराम से आ सकता है। और जैसे आप देखिए ये आपका क्लोजिंग पैटर्न भी इसका बिल्कुल सेम है, जैसे ओपन था वैसे ही क्लोजिंग, ऐसे क्लोजिंग हो जाता है। और जैसे आप देखते हैं इसकी क्वालिटी, ये देखिए फाइन क्वालिटी, बिल्कुल सॉफ्टनेस रहती है इसके अंदर, कोई ऐसी नहीं है चीज़। और आपके देखिए आप एंड में, बेसिक में, इसके जो बॉटम एंड में, हर एक चीज़ में जो क्वालिटी ऑफ जो आपकी ये रहती है, चेन रहती है, बहुत अमेजिंग है। और ये आपका भी एक सिंगल सिंगल पीसेस जो हैं वो बचे हैं इसीलिए, बाकी एक बार आप इसको क्लोजअप भी जो है जितना क्लोजअप कहें उतना देख सकते हैं आप, काफ़ी फाइन क्वालिटी में रहता है। जो इसकी एक चीज़ और है वो ये है कि जैसे समझ लीजिए जितने भी आप बैग देख रहे हैं जिनकी ऐसे डबल चेन जा रही है, वो आपके डबल चेन तो है ही है, वो सिंगल चेन भी हो सकते हैं। देखिए आप पूरा खींच लेते हैं तो वो सिंगल चेन में हो जाते हैं, काफ़ी बड़ी चेन आपकी बन जाती है अच्छी खासी। और अगर आप डबल करना चाहते हैं तो आप उसको दोनों को बराबर खींचते हैं, वो आपकी चेन डबल में कन्वर्ट हो जाती है इस तरह से, तो ये आपकी चेन डबल में कन्वर्ट हो गई। सिंगल डबल दोनों कर सकते हैं आप, छोटा बड़ा दोनों कर सकते हैं आप। जो आपको अब बैग दिखा रहे हैं इसके अंदर हमारे पास दो ही पीस बचे हैं और कलर भी दो ही है, एक ब्लैक है, बहुत अमेजिंग है, जिस तरह से डायमंड का जो है वर्क हो रखा है इस तरीके से बहुत अमेजिंग लगता है। इसकी जो चेनिंग क्वालिटी है वो बहुत अमेजिंग है, ये देखिए इसकी चेनिंग क्वालिटी है, काफ़ी हैवी रहेगी, काफ़ी हैवी रहने वाली है। और जो ओपनिंग स्टाइल है वो इस तरह से है, ये क्लोजिंग था, अभी क्लोज था, अभी ओपन हो गया, यहाँ से कटवर्क पूरा इस तरह से ओवल शेप में है, ये देखिए इसका भी अभी क्लोज है, ये इस तरह से क्लोज रहता है तो खुलता नहीं है, और फिर इस तरह से आप यूँ करते हैं तो ये ओपन हो जाता है आपका इजली, और क्लोज भी होने के बाद ये ओपन नहीं होता, ऐसा नहीं कि ओपन हो जाएगा, ये ओपन है। और अब जो इसकी क्वालिटी आप देखते हैं अगर आप क्लोजअप, तो ये इसकी बीडिंग क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी रहने वाली है, फाइन क्वालिटी आने वाली है। और जो इसको आप देखिए इसका ओपनिंग स्टाइल पैटर्न जो है वो इस तरह से रहेगा, मतलब ये आपका सिंगल हैंडेड ऑपरेट कर रहा हूँ मैं, एक ही हाथ से ऑपरेट कर रहा हूँ आपको, ये देखिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और अंदर में एकदम ग्रिटिंग वर्क जो रहता है पूरा पैच करके रहेगा ताकि आगे से वो कोई दिक्कत ना हो। और ये स्पेस वगैरह ये रहने वाला है, काफ़ी अच्छा स्पेस है और काफ़ी यंग
और बड़े सारे आजकल इसको काफ़ी अच्छे तरीके से लेते हैं, एक तरीके का पार्टी वेयर भी कह लो और एक रेगुलर गोइंग भी काफ़ी अमेजिंग लगता है जीन्स वगैरह आउटफिट के साथ। ये देखिए सेकंड कलर कॉम्बिनेशन जो एक पीस बचा है वो ये है, और काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन रहने वाला है। एक एक पीस ही बचे हैं इसीलिए आप जल्दी से जो जो आपको पीस लेने हैं आप बता दीजिएगा ताकि आपका बुक हो जाएगा। ये आपका सेम जो कलर कॉम्बिनेशन उसी के अंदर जैसे आपको दिखाया था, इस तरह से क्लोज है और ये इस तरह से ये ओपन था पहले और ये क्लोज हो चुका है। ये देखिए दोनों कलर कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग रहने वाले हैं। जो नेक्स्ट पैक आपको दिखा रहे हैं ये अभी जो है स्लिंग के अंदर पीटेड रेंज रहती है, स्लिंग बैग के अंदर जैसे आपको पहले दिखाए थे, उसमें देखिए जो क्वालिटी है जो डिज़ाइन है वो ट्रायंगल शेप में, यहाँ से कटिंग जो है वो ओवल में है, और जो ओपनिंग स्टाइल है वो इसका ये भी लॉक है, ये इस तरह से ओपन हो जाता है बैग, ये देखिए इजीली ओपन है और लॉक भी होने के बाद नो वन कैन इजीली ओपन इट, ये पूरा लॉक हो जाता है, ये देखिए ओपन नहीं हो सकता, ये इस तरह से ओपन हो गया बैग आपका। ये चेनिंग क्वालिटी है अगर आप देखते हैं तो बहुत फाइन क्वालिटी है चेनिंग क्वालिटी, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में रहेगा। उसके बाद फिर जो इसके जो अंदर में स्पेस वगैरह रहता है वो बहुत अमेजिंग रहने वाला है, सेपरेशन के साथ रहेगा और काफ़ी अच्छा, चाहे वो किसी भी एंगल से देखें तो कटिंग हर एक चीज़ एम्ब्रॉयडरी या जो फिनिशिंग है वो बहुत अमेजिंग है। देखिए इवन पीछे जो लुक है वो बहुत प्यारी है, और एक तरीके का जो है कटिंग इस तरह से दिया गया है, काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और ये देखिए फ्रंट स्टाइल, ये सिंगल पीस ही अवेलेबल है बचा है अभी। ये जो आप बैग देख रहे हैं ये आपको पहले दो कलर दिखाए थे इधर में, अब आपको ब्लैक कलर दिखा देते हैं। इसके अंदर जो सिंगल पीस बचा है काफ़ी अच्छा जो है क्वालिटी रहती है इसके अंदर, और जो फैब्रिकेशन है वो कॉटराइज है जिससे कि लुक बहुत अच्छा आता है। इवन आप देखते हैं कि इसका ओपनिंग स्टाइल बहुत अमेजिंग है, और ये इसका स्पेस अवेलेबल है, और कलर कॉम्बिनेशन सारे के सारे इसके तीनों के तीनों बहुत अमेजिंग रहने वाले हैं। एक ब्लैक हो गया, एक आपका मेहरून शेड हो गया, और एक आपका ब्राउन शेड हो गया। जो नेक्स्ट पैक आपको दिखाने वाले हैं वो हम YSL का दिखाने वाले हैं। ये आप देखिए इस तरह का जो इसका जो फिल पैटर्न है, जो लुक है वो बहुत अमेजिंग रहने वाला है, और YSL के अंदर ये देखिए आप कितना अच्छा पैरा ब्रांड है, आप इसको इजीली सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और कितना अच्छा क्वालिटी का चेन रहने वाला है, और ये जो स्ट्रैप है उसके साथ अवेलेबल रहेगा, ये इसका लोगो रहेगा जो कि पूरा इस तरह से इवन इस तरह से डिफरेंट लुक में देता है, और आपका जो ओपनिंग पैटर्न है वो YSL का हमेशा ऐसा ही होता है ट्रायंगल शेप में ज़्यादातर। और ये देखिए अब आप इसको एक बार ओपन करके थोड़ा सा लुक ले लेते हैं, ये इसका ओपनिंग स्टाइल है, और क्वालिटी जो है फैब्रिकेशन वो बहुत अमेजिंग रहने वाली है, बाहर चेनिंग रहने वाली है जो कि अभी जो है ओपन की गई है, और ये है इसका क्वालिटी, अंदर में इसकी स्पेस पूरी रहेगी और पूरा का पूरा एरिया काफ़ी अच्छा स्पेशियस बैग रहने वाला है। और ये फ्रंट आपने देख लिया, और ये इसका लुक जो है वो इस तरह में है YSL का, और इसका बैक इस तरह में है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी जो है वो रहता है बैक का हमेशा। तो ये सिंगल पीसेज ही जो है वो अभी अवेलेबल हैं, बचे हैं, आप इसको बुक करा सकते हैं अपने लिए, और इसकी क्वालिटी अगेन चेन क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी रहती है ब्रांड्स के अंदर, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये सिंगल पीस अवेलेबल है YSL के अंदर। जो नेक्स्ट पैक देख रहे हैं आप वो शनैल में रहने वाला है, और क्वालिटी आपको देखने समझ आ गई होगी कि कितनी प्यारी क्वालिटी रहने वाली है, और ये इसका चेनिंग के साथ प्लस जो स्ट्रैप है वो बहुत प्यारा रहने वाला है, और एक बार ये इसको क्लोजअप भी जो है लुक ले लेते हैं। ये ओपनिंग रहता है काफ़ी सॉफ्ट रहता है, सबसे मेन चीज़ जो है वो इसकी सॉफ्टनेस बहुत अच्छी है, इसी से जो है ओरिजिनलिटी का पता चलता है। उसके बाद यहाँ से जो है ओपनिंग स्टाइल है, ये ओपन है, काफ़ी सॉफ्टली ओपन हुआ, और ये अंदर में भी पूरा जो है सॉफ्टनेस जो है क्वालिटी मेंटेन है, और इसकी जो अंदर में स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छी है, और चेनिंग क्वालिटी तो लाजवाब है, ये देखिए चेनिंग क्वालिटी रहेगी, और अंदर में स्पेस वगैरह पूरा रहने वाला है, ये स्पेस वगैरह है, और आप देख सकते हैं जैसे इस बैग को सिंगल हैंडेड ऑपरेटेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आती है हमको, बाकी आपको एक बारी दिखाना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का स्पेस रहने वाला है। ये देखिए पूरा का पूरा स्पेस बहुत अच्छा रहने वाला है, यहाँ पे हर एक जगह में स्पेस काफ़ी अच्छा जो है वो मिल जाता है अंदर में। ये देखिए चेनिंग भी रहेगी इधर में, तो आप चेन भी ऑपरेट कर सकते हैं, ये जो बाहर में ओपन किया हुआ है ये ऐसा नहीं है कि ओपन है, ये विद चेनिंग रहेगा, ये पूरा बंद हो जाता है चेनिंग के साथ, और ये देखिए जो लुक रहने वाला है वो बहुत ही क्लासिक रहने वाला है शनैल के अंदर। सिंगल पीस ही बचा है तो आप ये बुक करा सकते हैं शनैल। जैसे आइटम देख रहे हैं ये आपकी
शनैल के अंदर जो रहेगा ये देखिए, और काफ़ी अच्छा क्वालिटी रहने वाला है ये देखिए, क्वालिटी इवन स्ट्रैप का और हर एक चीज़ का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग है। ये देखिए सॉफ्टनेस देखिए, आपको सॉफ्टनेस समझ में आ रही होगी, काफ़ी सॉफ्टनेस रहने वाली है। और जो ओपनिंग पैटर्न है वो इसका अगेन इस तरह से है, और जब आप देखते हैं अंदर में इसकी क्वालिटी देखते हैं, स्पेस देखते हैं, तो काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ से भी ओपन रहता है तो इसके अंदर स्पेस बनता है एक अलग ही, और फिर इसके बाद ये सेकंड जो इसका पोर्शन है वो इस तरफ में है, यहाँ से भी ये ओपन हो जाता है तो इधर भी काफ़ी अच्छा स्पेस रहता है, और इवन यहाँ पे चेन भी रहेगा, स्पेस भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और उसके बाद आप देखिए कि इसका जो क्वालिटी है हर एक चीज़ बहुत फ़ाइन है। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है, और लुक वाइज अमेजिंग है, क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। ये लास्ट पीस बचा है तो इसीलिए सारा का सारा क्लोजअप एक लुक आपको दे दिया है। जो नेक्स्ट आप बैग देखने वाले हैं ये भी काफ़ी फ़ाइन है, और ये कॉर्डराइस के अंदर है, बहुत सॉफ्ट क्वालिटी है। अब देखिए कितना सॉफ्ट रहता है, वेलवेट एकदम सॉफ्ट रहता है, और काफ़ी अच्छा फर फील में है, और ये देखिए काफ़ी फाइन क्वालिटी है। इवन इसका ये जो सामने जो पीछे की तरफ है इसका, वो इस तरह का एक तरह का फ्लैप लुक में जैसे रैबिट शेप में रहता है वैसे रहता है, काफ़ी अच्छा चल रहा है आजकल ये स्टाइल, और काफ़ी इन है। विद चेनिंग के साथ रहता है तो क्वालिटी और लुक बहुत अच्छी रहती है, और सबसे बड़ी बात है कि क्लच पैटर्न है जो कि इस तरह से ओपन रहता है, आप जानते होंगे। ये देखिए एक तरह का फेस्टिवल पार्टी वेयर लुक भी बन जाता है, और ये देखिए इसका लुक बहुत अमेजिंग रहता है, चाहे वो इसकी क्वालिटी हो, इसकी हर एक चीज़ फाइन रहने वाली है। और इस तरह में अंदर में जो इसके स्पेस रहने वाली है वो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इसका स्पेस रहने वाला है, ये दिखाया है कि किस तरह से कितना अच्छा स्पेस जो है वो अंदर तक नीचे तक आप स्पेस देख पा रहे होंगे, काफ़ी स्पेस रहता है। और ये एक क्लच है जो एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी में रह रहा है। ये हमारे पास एक ही पीस बचा है तो इसीलिए हम आपको जो है सभी वीडियो दिखा पा रहे हैं, ताकि आप अपना जो आपका टेस्ट है आप बुक करा सकें। ब्लैक कलर, बहुत फाइन क्वालिटी, चेनिंग विथ चेनिंग, और ये काफ़ी अच्छा इनमें है। बस ये जो आप कलेक्शन देख रहे हैं अब, ये काफ़ी अच्छा लुक में आ जाता है। ये देखिए इस तरह का जो इसका डायमंड जो वीव है, ये सिंगल सिंगल पीसेज ही बचे हैं, दो ही कलर बचे हैं और एक एक सिंगल सिंगल पीस बचे हैं। जो क्वालिटी आपको दिखा देते हैं एक बारी, बहुत फाइन रहती है ये देखिए। और इसके बाद जो इसका ओपनिंग स्टाइल है वो इस तरह का रहता है, जैसे ब्लैक में आपको एक ओपन करके दिखा देते हैं कि किस तरह से ओपन रहता है। ये देखिए फाइन क्वालिटी रहने वाला है, और आप अंदर में देखते हैं इसका स्पेस बहुत अच्छा है, और सेपरेशन है, चेनिंग के साथ है, और वही दूसरा कलर कॉम्बिनेशन आप ये देख रहे हैं। ये दोनों कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं, और एकदम प्यारे प्यारे रहने वाले हैं, बहुत फाइन रहने वाले हैं। आप देखिए ये देखिए ये भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, और इसकी जो चेनिंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। ये सिंगल सिंगल पीस ही बचे हैं आपके, बहुत अमेजिंग। जो आपको नेक्स्ट पर्स दिखा रहे हैं ये भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी में, देखिए कितनी हैवी चेन रहती है, जो स्टाइल कंपोजिशन के हिसाब से आप इसको इस तरह से हैंडल भी कर सकते हैं, पर्स को ईजिली हैंडेबल रहता है इस तरह से, काफ़ी अच्छा जो लुक रहने वाला है इस पर्स का भी। और ये देखिए इसका फ्रंट बैक हर एक चीज़ बहुत फाइन रहने वाली है। सबसे बड़ी बात है इसमें ये भी जो कि इसके अलावा इसके बाद यहाँ पे एक बड़ी चेन भी रहती है, ताकि आप इसको शोल्डर्स पे भी कैरी कर सकें आराम से, वो भी पूरा देखिए क्वालिटी प्रॉपर तरीके से जो है। देखिए आपका जो इसके बाद जो ओपनिंग स्टाइल रहता है इसका, वो इस तरीके से रहता है कि इसको आप दबाते हैं और ये आपका ओपन हो जाता है, और क्लोज भी वैसे ही रहता है, काफ़ी अच्छा जो है लुक है। और यहाँ पे आप अंदर में देखते हैं जो इसकी स्पेस रहती है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, ये देखिए ये देखिए। और यहाँ पे अंदर में एक चेन भी रहेगी, आपको चेन भी मिलेगी ताकि आप वहाँ पे अपना अपना सामान और भी रख सकें, ये देखिए अलग से सेपरेट ये चेन रहेगी, ये स्पेस रहने वाली है। काफ़ी अच्छा बताया गया है कि काफ़ी सारा सामान जो है वो उसके अंदर आराम से आ सकता है, एक तरीके का इसमें सामान डाला गया है कि पता चले कि थोड़ा फिलिंग की गई है। ये देखिए काफ़ी सारा जो है एरिया जो है वहाँ पास जगह है इसके अंदर बैग के अंदर, और ये क्वालिटी ये इसका फ्रंट रहने वाला है, इतनी बड़ी चेन डाली है, छोटी चेन रहने वाली है हैंडल करने के लिए। लुक इसका आप देख रहे हैं, फ्रंट बैक, और जो इसकी सॉफ्टनेस है क्वालिटी वो आप देख सकते हैं क्लोजअप कि कितनी सॉफ्ट रहेगी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी रहने वाली है। ये भी एक ही पीस बचा है हमारे पास, सिंगल पीस।